नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड-19 के लगभग 6000 मामले। पीएम ने जाना सीएम नीतीश की सेहत का हाल। बिहार में अब बिजली का एचटी कनेक्शन भी ऑनलाइन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले भारत को झटका, ये खिलाड़ी हुआ कोरोना पॉजिटिव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड-19 के लगभग 6000 मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5908 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 25051 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 61, अरवल में 41, औरंगाबाद में 94, बांका में 92, बेगूसराय में 162, भागलपुर में 210, भोजपुर में 107, बक्सर में 30, दरभंगा में 232, ईस्ट चंपारण में 98, गया में 160, गोपालगंज में 19, जमुई में 180, जहानाबाद में 132, कैमूर में 35, कटिहार में 69, खगड़िया में 23, किशनगंज में 82, लखीसराय में 34, मधेपुरा में 80, मधुबनी में 133, मुंगेर में 154, मुजफ्फरपुर में 264, नालंदा में 127, नवादा में 60, पटना में 2202, पूर्णिया में 61, रोहतास में 72, सहरसा में 114, समस्तीपुर में 249, सारण में 122, शेखपुरा में 17, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 70, सिवान में 75, सुपौल में 77, वैशाली में 66 और वेस्ट चंपारण में 47 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 188133 सैंपल की जांच की गई, वहीं कुल मिलाकर 1790 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ECIL ने निकाली रिक्तियां। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कुल मिलाकर 150 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 18 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर बिहार में 8 झांकियों की होगी प्रस्तुति। जल्द ही गणतंत्र दिवस आने वाला है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खास आयोजन तो नहीं होने वाला, लेकिन राजधानी पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वो अलग बात है कि इस बार कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आम जनता गांधी मैदान में नहीं होगी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन पटना के प्रमंडलीय आयुक्त रवि और पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी ने अधिकारियों की बैठक ली। गणतंत्र दिवस समारोह का सफल और सुचारू आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हिंदी भवन सभागार में बैठक की गई। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच समारोह को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अब इस समारोह में 8 झांकियों की प्रस्तुति होगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। 1984 में दूरदर्शन के इतिहास के पहले शो ओपेरा हम लोग में वो सीरियल के सूत्रधार की भूमिका में दिखाई दी और छोटे पर्दे पर भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जीवन नैया में अशोक कुमार का बतौर अभिनेता फिल्मी सफर शुरू हो गया। 1937 में अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्हैया में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में जीवन नैया के बाद देविका रानी फिर से उनकी नायिका बनी। फिल्म में अशोक कुमार एक ब्राह्मण युवक के किरदार में थे, जिन्हें एक अछूत लड़की से प्यार हो जाता है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म काफी पसंद की गई और इसके साथ ही अशोक कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इसके बाद देविका रानी के साथ अशोक कुमार ने कई फिल्मों में काम किया। बिहार सरकार और एएसआई को पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बिहार से निकले देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के स्मारक की अनदेखी अब सरकार के साथ साथ एएसआई को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और एएसआई दोनों से हलफनामा दायर करने की अपील की थी। लेकिन देख के तो यह प्रतीत हो रहा है कि बिहार सरकार और एएसआई शायद पटना हाईकोर्ट की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि अब कोर्ट ने बीते दिन फिर से इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार और एएसआई की लेट लतीफी को देखते हुए फटकार लगाई है, जिसके तहत जन्मस्थली जुरादेई और वहां उनके स्मारक की दुर्दशा के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और बिहार सरकार द्वारा हलफनामा नहीं दायर किए जाने पर मामले की सुनवाई 13 जनवरी 2022 तक टाल दी है। बिहार में आज
शुरू हो सकता है थिएटर। बिहार में जल्द ही फिल्मों की शूटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार में दो जिलों में थिएटर खोलने को लेकर के सोच विचार किया जा रहा है, जिसके तहत मैरीकॉम, मुक्केबाज, जय गंगाजल, राजा नटवरलाल जैसी फिल्मों में दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता शक्ति कुमार आज किसी भी परिचय के जो मोहताज नहीं है। बिहार में जन्मे शक्ति कुमार आज के समय में मुंबई में भले ही इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो, लेकिन उनका लगाव आज भी अपनी माटी से खूब है। तभी तो उन्होंने नालंदा को लेकर बहुत से ख्वाब संजोए हुए हैं, जिसको लेकर ही शक्ति कुमार ने बीते दिन मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनकी 6 कंपनियों में एक नालंदा इनोवेशन एंड क्रिएशन भी है। वो नालंदा या राजगीर में थिएटर शुरू करने में लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें एनएसडी पास आउट को वो ट्रेनिंग देंगे। इसको लेकर बिहार सरकार को कई प्रपोजल उन्होंने दिया है। मुफ्त राशन देने में आनाकानी होने पर इस नंबर पर करें कॉल। अगर आप भी मुफ्त में राशन उठाते हैं, लेकिन किसी राशन कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत एसडीओ ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। इसको लेकर ही बीते दिन एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके तहत अगर आप भी इस परेशानी का शिकार होते हैं, तो आप तुरंत ही 1800-345-6194 और 1947 पर शिकायत करवा सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। विनय कुमार की माने तो गरीबों के लिए लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगर जन वितरण प्रणाली की किसी दुकान में मुफ्त राशन देने में आनाकानी की शिकायत मिली, तो सख्त कार्रवाई के लिए दुकानदार तैयार हो जाए। इसके साथ ही महासचिव विनय कुमार ने राशन वितरण के दौरान निगरानी बढ़ाने का निर्देश भी सभी निगम को दे दिया है, और साथ ही सभी जिलाधिकारी को जारी कर दिया है। पीएम ने जाना सीएम नीतीश की सेहत का हाल। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज होम आइसोलेशन में ही हो रहा है। इसके तहत उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की मंगल कामना के तहत ही बीते दिन कई जगहों पर हवन करवाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही सीएम नीतीश को फोन करके उनका हाल जाना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उनके कोरोना से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में जोरदार तेजी देखी गई है। राज्य के कई नेता और मंत्री अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। मकर संक्रांति पर पटना डेयरी प्रोजेक्ट इतने लाख लीटर दूध का करेगा उद्योग। बस कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, जिसका महत्व हर एक बिहारी की जिंदगी में कुछ खास ही होता है। ऐसे में इस दिन, जैसा कि हम सबको पता है कि लोग दही चूड़ा खाते हैं, ऐसे में बिहार भर में दूध की मांग बहुत ज्यादा होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही पटना डेयरी प्रोजेक्ट इसको लेकर खास तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंधक निदेशक श्री नारायण ठाकुर ने कहा है कि इस साल पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने मकर संक्रांति पर्व के मौके पर दूध 34 लाख लीटर, दही 7.5 लाख किलोग्राम, तिलकुट 10,000 किलोग्राम और पनीर 20,000 किलोग्राम बिक्री का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 7 उड़नदस्ता टीम गठित की गई है, जिससे सिर्फ पटना के लोगों को ही नहीं बल्कि वैशाली, सारण और नालंदा जिले में भी इसको भेजा जाएगा। बिहार में बारिश का अलर्ट, बिजली चमकने, ओला गिरने के आसार। बिहार में अगले 48 घंटे के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खबर लिखे जाने तक नालंदा जिला में बारिश की शुरुआत कल देखने को मिली थी। बता दें कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वैशाली जिले में हवा की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। इधर आईएमडी की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में 11 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो गया है। इस दौरान कुछ दिनों के लिए हवा पुरवैया भी हो सकती है। वहीं बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार 14 जनवरी तक बनते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में बिजली का एचटी कनेक्शन भी ऑनलाइन। बिहार का एचटी कनेक्शन अब बिहार में ऑनलाइन बिजली का एचटी कनेक्शन अब बिहार में ऑनलाइन होने वाला है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि बिजली का एचटी कनेक्शन का मतलब है कि बिहार में जो बिजली औद्योगिक इकाई को दी जाती है, ऐसे में अब यह बिजली कनेक्शन ऑनलाइन मोड में दिया जाना है, जिसके बाद ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शन ऐप के माध्यम से बगैर बिजली कंपनी के दफ्तर आए ही मिल सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक यह व्यवस्था केवल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ही थी। इसको लेकर बीते दिन उत्तर बिहार बिजली कंपनी के अभियंताओं को इस संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। इसको लेकर बिजली कंपनी सुविधा ऐप विकसित किया हुआ है। पिछले साल कोरोना काल में इस ऐप की शुरुआत हुई थी। किशोरों के टीकाकरण में ये जिला रहा अव्वल। बीते दिन तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 15 से 17 साल के अब तक 26% किशोरों को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार पूरे बिहार में 83,46,000 किशोरों को टीका दिए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 22,01,553 किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार किशोरों के टीकाकरण में पूरे सूबे में पहले स्थान पर बक्सर और दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण जिला है और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। वहीं राजधानी पटना 29वें पायदान पर है। मंगलवार शाम तक बक्सर में 39.89% और पूर्वी चंपारण में 36% किशोरों को टीका दिया जा चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर में 1,14,110 किशोरों को टीका लग चुका है। पुलिस जिप्सी का स्टेयरिंग अब महिला जवानों के हाथ।
बिहार पुलिस की जिप्सी अब महिला जवान ड्राइव करती नजर आएंगी। हाल ही में बिहार की केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस में चालक सिपाही के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें ही होमगार्ड के लिए 7 महिला चालक का भी चयन हुआ है, जो कि अब नौकरी ज्वाइन करने के बाद पुलिस की ड्राइविंग सीट पर बैठेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाहन चालक दक्षता परीक्षा पिछले साल 8 से 21 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। कुछ ही दिनों पहले इसका अंतिम परिणाम आया है। इसमें बिहार पुलिस सिपाही चालक भर्ती परीक्षा में 1700 में से 1632 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। इनमें 714 सामान्य वर्ग, 169 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 266 एससी, 23 एसटी, 284 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 176 पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पटना पायलट्स अंक तालिका में पहुंची टॉप पर। प्रो कबड्डी लीग के 47वें मैच में पटना पायरेट्स ने बीते दिन यू मुंबा को 43-23 से बुरी तरह हराया। पटना पायरेट्स यह 8 मैचों में 6ठी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं यू मुंबा की 8 मैचों में दूसरी बड़ी हार देखने को मिली और वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है। पटना पायरेट्स की बात करें तो इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी देखे गए, जिसमें नीरज कुमार ने किया है। उन्होंने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 टैकल पॉइंट हासिल किए। हालांकि पहले हाफ में किस टीम को जीत मिलेगी यह कह पाना मुश्किल था, लेकिन हाफ के बाद पटना पायरेट्स ने मैच में 19 रनों की जबरदस्त बढ़त बना ली। पटना की टीम ने यू मुंबा को 10 मिनट के अंदर ही ऑल आउट करके सबको चौंका दिया, जिसके बाद पटना पायरेट्स अब पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। सांसद रामकृपाल ने पटना एम्स की तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में कोरोना के ग्राफ में किस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, इसका अंदाजा आपको हर दिन आ रहे मामलों को देखकर लग ही रहा होगा। हालांकि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी इसको लेकर बिहार में तैयारियां तेज है। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी अस्पतालों में कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी बीच बीते दिन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने एम्स पटना में कोरोना का बूस्टर डोज तो लिया ही, उसके बाद सांसद ने एम्स के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह और कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव के साथ बैठक कर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना एम्स की तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया, जहां उन्हें बताया गया कि एम्स पटना तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने पर बिहार में शुरू हुई सियासत। हाल ही में नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने अपने एक साक्षात्कार में सम्राट अशोक को औरंगजेब जैसा बताया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही दया प्रकाश सिन्हा हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीते दिन सम्राट अशोक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को किसी भी सामान्य के लायक नहीं बताया है, तो वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके तहत ट्वीट कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। राष्ट्रपति से यह अनुरोध करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मिले पद्मश्री और अन्य पुरस्कार को रद्द किया जाए। भाजपा इन्हें निश्चित रूप से निष्कासित करे। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की पुलिस पदाधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने की मांग। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने की मांग बीते दिन बिहार पुलिस एसोसिएशन ने उठाई है, जिसको लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने गृह विभाग के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों के तबादले पर विचार करने का आग्रह किया गया। एसोसिएशन की माने तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पुलिसकर्मियों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। कोविड महामारी के तेजी से फैल रहे संक्रमण के खतरे में भी पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में फिलहाल तबादले पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर गृह विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट जीत सकती है जदयू। बिहार में अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के बाद अब जदयू की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। यही कारण है कि जदयू चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही लगातार चुनाव को लेकर अलग अलग दावे कर रही है। हालांकि अभी यूपी में पार्टी भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर किस तरह अपना सामंजस्य बिठाने वाली है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो बीते दिन ही पार्टी की जीत को लेकर जदयू मंत्री जमा खान ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उनका कहना है कि हम लोग यूपी में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के शीर्ष नेता बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़े और मैं तो प्रचार अभियान भी शुरू कर चुका हूं। खान का दावा है कि जदयू पूर्वांचल के 25 से 30 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। पटना के विकास वर्मा की पहली इंडो पॉलिश फिल्म नो मीन्स नो का रिलीज डेट बढ़ा आगे। दिग्गज फिल्म स्टार संजय दत्त ने अपने ट्वीट में डायरेक्टर विकास वर्मा द्वारा निर्मित पहली इंडो पॉलिश फिल्म नो मीन्स नो की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के निर्णय की सराहना की है। बड़ी बजट की फिल्म नो मीन्स नो की 5 नवंबर को रिलीज किया जाना था, परंतु इसकी रिलीज जून 2022 तक टाल दी गई है। पहले बहुत से फिल्म एनालिस्ट भी फिल्म नो मीन्स नो की रिलीज डेट टालने के इस कदम को गेम चेंजर बता रहे थे। पटना के कंकड़बाग के रहने वाले विशाल वर्मा ने पहली बार एक इंडो पॉलिश फिल्म को डायरेक्ट की है, जिससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि नो मीन्स नो एक इंटरनेशनल फिल्म है, जो पूरी दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी।
जदयू ने भाजपा को दिया अल्टीमेटम, बिहार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद अब जदयू की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि जदयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। हालांकि अभी तक भाजपा के साथ सीटों को लेकर सामंजस्य बनता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ही बीते दिन जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सभी दल अब चुनाव के लिहाज से सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे में राजग को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर जल्द तय नहीं हुआ तो चुनिंदा सीटों पर जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर कोई बात नहीं हुई तो जदयू खुद निर्णय करेगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी आगे। अगर आप भी एक रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपके लिए हमारी यह खबर कुछ खास है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, बीते दिन जारी आदेश के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 फरवरी 2022 तक कर दिया है। पहले यह तारीख 15 जनवरी की थी। बोर्ड की माने तो कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालातों और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि ध्यान रहे, ये छूट उन टैक्स पेयर्स को नहीं है जिन टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को ही खत्म हो गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। छत्रपति शाहू जी को 1708 में मराठा शासक का ताज पहनाया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन को 1934 में चटगांव में फांसी दी गई। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह को सफल नेतृत्व किया। 1948 में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण दिया और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। भारत के पूर्व गेंदबाज बापू नाडकर्णी ने 1964 में मद्रास में इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन फेंके। 6 गेंदों के ओवर के इतिहास में यह अब तक का रिकॉर्ड है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 1984 में हर साल देश में इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। 2009 में प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का जन्म 1972 को दिल्ली में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले भारत को झटका, ये खिलाड़ी हुआ कोरोना पॉजिटिव। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले एक बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते टीम से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर की कोविड 19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 19 जनवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में सुंदर का खेल पाना फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। 22 वर्षीय वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय वनडे टीम के लिए केप टाउन रवाना होना था, लेकिन फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि वो केप टाउन के लिए रवाना हो पाएंगे या नहीं। क्रिक बज ने जब सुंदर से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मेरे पास कॉमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी इस बारे में बताऊंगा। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,840 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,340 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, रजनीश राणा, युगल कुमार, मोनू चौधरी, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, नुन्नू यादव, अमित रॉय, अजय कुमार, छोटू सिंह, अभिमन्यु अरोरा, भूपेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।